हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से घर ड्रॉ करेंगे। घर ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले प्लस का आइकन बनाना है, जैसे मैंने बनाया है। अब आपको नीचे से एक ठो लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन लेफ्ट साइड से और एक लाइन राइट साइड से ड्रॉ करनी है। अब एक छोटा ट्रायंगल बनाना है आगे वाले भाग में घर का लुक देने के लिए। ट्रायंगल को हम डबल लाइन में बनाएंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पे आप इसको नाप सकते हैं, एक बराबर नाप के थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। बगल वाले हिस्से को भी लाइन से मिला देंगे। प्यारा सा छत बनाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा लाइन खींचेंगे। खिड़की जो दो महला घर बनाया है हमने, तो ऊपर वाले घर पे रेलिंग ड्रॉ करेंगे। छोटी छोटी पाही खींच के नीचे से भी एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, राउंड शेप देंगे। ऊपर वाले घर का दरवाजा बनाएंगे। आधा दरवाजा रेलिंग में झुक गया है, आधा बिख रहा है। यहाँ पे हम खिड़की बनाएंगे। खिड़की को भी आप प्लस के आइकन से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। राउंड शेप देंगे। नीचे से प्लस खड़ी पाई बनाएंगे। यहाँ पे दरवाजे की लंबाई चौड़ाई नाप के बनाएंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में। राउंड शेप देंगे। नीचे सीढ़ी बनाएंगे। ऊपर छत पर डिजाइन बनाएंगे।
यहाँ पर हम ईंट का शेप दे रहे हैं। अब हम घर को कलर करेंगे। आप अपने मनपसंद कलर से कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्किन कलर का यूज कर रही हूँ। दीवार कलर करने के लिए कोई हल्का कलर ही यूज करें तो अच्छा रहता है। दीवार लगभग कलर हो चुका है। कलर करते वक्त ध्यान रखिए कि कलर बाहर ना निकले। अब हम खिड़की ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे, सॉरी।
की कलर करने के लिए मैं आसमानी कलर का यूज कर रही हूँ, स्काई ब्लू जिसको बोलते हैं। और आधा मैं नेवी ब्लू से कलर करूंगी। ऊपर वाली खिड़की को भी सेम नीचे के जैसा ही कलर करेंगे।
छत भी कलर हो गया है। अब हम रेलिंग की डिज़ाइन बनाएंगे। आप अपने मनपसंद से कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो दो कलर का यूज कर सकते हैं या फिर एक ही कलर से भी बना सकते हैं। अब हम सीढ़ी को भी कलर करेंगे। कलर करते वक्त ध्यान रखें कि कलर बाहर ना निकले। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा घर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।